Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। देखिए आजकल का जो टाइम चल रहा है इसमें ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। इसकी बहुत सारी वजह है, घर का कलेश, इनकम का प्रॉपर तरीके से ना होना, कई बार कुछ ऐसा जीवन में घटना जिसके चक्कर में इंसान बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत दुखी हो जाता है और उससे निकलने की कोई वजह उसको दिखाई नहीं देती है कि उससे मैं बाहर कैसे निकलूं, क्या इसका तरीका है। जितना हम ऐसे इंसान को समझाते हैं उतना ही ऐसा इंसान ये सोचता है कि जो समझाने वाला है वो उस दौर से नहीं गुजरा है जिस दौर से मैं गुजरा हूं। तो वहां कहीं ना कहीं जो एक गैप बनता है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो भी लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो भी लोग एंजाइटी में होते हैं, यानी जिन लोगों को चिंता है, किसी बात की चिंता है, काम धंधे की चिंता है, पैसे की चिंता है, परिवार की चिंता है, तो ऐसे में कई बार इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है और कुछ लोग तो इस चक्कर में सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसकी बेस्ट रेमेडी क्या हो सकती है और ये होता क्यों है? आपके बर्थ चार्ट का जो केंद्र भाव होता है, यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और टेंथ हाउस, केंद्र भाव में अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाते हैं तब आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। मैलेफिक मतलब या तो सैटर्न या राहु या केतु, और केंद्र भाव के लॉर्ड्स अगर मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ कहीं पर बैठे होते हैं या अपनी वीक पोजीशन में होते हैं या अपने एनिमी साइन में होते हैं या उनके ऊपर अगर मैलेफिक प्लैनेट्स का अगर एस्पेक्ट पड़ जाता है या वो अपने रेट्रोगेशन में होते हैं या कंबशन में होते हैं या बहुत ही वीक पोजिशन में होते हैं तब इंसान के साथ ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपका एसेंडेंट बहुत स्ट्रांग है, एसेंडेंट का लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस है तो परेशानियां तो बहुत आएंगी लेकिन आप फिर भी चीजों को बैलेंस कर जाएंगे। और एसेंडेंट का लॉर्ड भी अगर वीक हो गया है, सन की प्लेसमेंट भी अगर खराब है, सन भी वीक हो गया है, मून भी वीक हो गया है, तो कई बार ऐसे में एंजाइटी और डिप्रेशन आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इससे निकलने का क्या तरीका है? इससे निकलने का तरीका ये है, पहली बात तो ये कि इन चीजों से आपको कौन निकाल सकता है? इन चीजों से आपको सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन आपको इन चीजों से नहीं निकाल सकता है। और आपको ये समझना होगा कि अगर चीजें मेरे साथ ऐसी हो रही हैं और मैं कुछ अब नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा हूं लोगों के साथ, लोगों को चीजें पसंद नहीं आ रही हैं या लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि आप गलत जा रहे हैं या कोई चीज आपको दूसरी तरफ लेके जा रही है। तो इसके लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो है नवरना मंत्र, और ये जो मंत्र है ये दुर्गा माँ का मंत्र है। इस मंत्र का जब आप जाप करें, मॉर्निंग में जाप कर सकते हैं और आपको इस मंत्र का जाप अर्धरात्रि में भी करना चाहिए। अगर आप अर्धरात्रि में इस मंत्र का जाप करते हैं, यानी 11, 12 बजे, 1 बजे के आसपास, तो आपको उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन कई बार कुछ टाइम और कुछ सिस्टम ऐसा हमारा बना हुआ है, काम धंधे का सिस्टम बना हुआ है कि रात को टाइम नहीं मिलता, लोग बाग थक के आते हैं फिर सो जाते हैं और मॉर्निंग में उनको पास थोड़ा बहुत टाइम होता है ऑफिस जाने से पहले या अपने बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी ऐसा चीज करने से पहले आपके पास थोड़ा बहुत मॉर्निंग में टाइम होता है। जब आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद मोस्टली आप देखते हैं कि ज्यादातर लोग पूजा पाठ करते हैं। तो आपको एक मंत्र का जाप करना है, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र के रेगुलर जाप से आपको काफी बेनिफिट होगा और जो भी आपके अंदर अवसाद चल रहा है, दुख चल रहा है, उससे आप बाहर आएंगे। इसके साथ साथ आपको ओम मंत्र का भी जाप करना है। ओम मंत्र का जाप आप ऐसे कर सकते हैं, ओम, इस तरीके से आप ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं 10 से 15 मिनट। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी आपको जाप करना है। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र है और उससे आपके मून की और सन की जो प्लेसमेंट है आपके बर्थ चार्ट में, जो बिगड़ रही है, जो वीक पोजीशन में है, उससे उनको काफी स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये जो तीन मंत्र हैं, इन तीन मंत्र का जाप अगर आप रेगुलर तरीके से करते हैं और दुर्गा मंत्र जो मैंने आपको बताया, चामुंडा का जो मंत्र बताया है, अगर इसको आप रात को जाप करते हैं इसका, तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो मंत्र है आप इनका रेगुलर तरीके से जाप करें, लेकिन इससे पहले गणेश का मंत्र जरूर पढ़ें, गणेश जी का मंत्र, उससे आपको स्टार्टिंग करनी है। ओम गंग गणपते नमः या ओम गणपते नमः, इस मंत्र के बाद आपको दुर्गा मंत्र और उसके बाद आपको शिवा का मंत्र जो भी मैंने आपको बताया है, ओम नमः शिवाय, इसका जाप आप कर सकते हैं और ओम मंत्र जो है उसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं।
तो इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आप अपनी परेशानियों से, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे और अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव भी महसूस करेंगे। और जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका परसेप्शन है दुनिया को लेके, चीजों को लेके, अपने आस पड़ोस के माहौल को लेके, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी और आप एक नए रूप में लोगों को दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसी रेमेडी के बारे में जो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को बिल्कुल खत्म कर सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी रेमेडी के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप उनसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली उनसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू उनसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।